अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास, होप सो अब सब बिल्कुल ठीक होंगे। एज यू नो, हमने साइंस का जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है और चैप्टर का नेम है एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अपने प्रीवियस वर्क में आपने देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 3 जो है इसकी डिक्टेशन वर्ड किए थे एंड वर्ड मीनिंग किए थे। नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा सेकेंड वर्क था, उसमें हम लोगों ने पेज नंबर 33 के सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो वो कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमने कंप्लीट करने हैं पेज 35। इसके हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम लोग जो है वो नेक्स्ट वर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा इस पेज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ आ फॉसिल फ्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ आ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा और इजी सा है, फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म फ्रॉम डिकेइंग लिविंग थिंग्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोई भी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है तो उसके ख़त्म होने से जो बनता है उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी जो नेचुरल डिसास्टर की वजह से वो बरीड हो जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है, सैंड में बरीड हो जाता है, तो 500 ईयर्स के बाद, ठीक है, 500 ईयर्स या 1000 ईयर्स या 100 ईयर्स के बाद जब उसको जो है वो किसी भी नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से, जैसे कोई सैलाब आता है तो वो जो है जहाँ पे वो बरीड हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो फॉसिल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो बोन पड़ी रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद या हंड्रेड ऑफ ईयर्स के बाद अगर तो प्लांट है, अगर एनिमल्स हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इनमें एग्जांपल किसके उन्होंने दिए, कोल है, ऑयल है एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसका, इस चैप्टर का, इस पेज का, ठीक है, सजेस्ट व्हाई देयर आर नो ह्यूमन फॉसिल्स इन कोल। ठीक है, आपने बताना है कि जो कोल है वो उसमें कोई ह्यूमन फॉसिल क्यों नहीं होता। ठीक है, बेसिकली ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, क्यों नहीं होता, बिकॉज कि जो कोल है वो सिर्फ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स बनता है, अगर प्लांट डिके होगा तो उससे कोल बनेगा, एनिमल्स की डिकेइंग से कोल नहीं बनता, तो ये बेसिकली रीज़न है, देयर आर नो ह्यूमन फॉसिल्स इन कोल बिकॉज कोल इज फॉर्म्ड ओनली बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास ए है, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट ए में है, व्हाट इज पेट। ठीक है, पेट क्या है, द एक्शन ऑफ डिकेरिया चेंज द डिकेइंग प्लांट्स टू पेट एंड इज यूज एज ए फ्यूल इन सम कंट्रीज। तो आपको पता है हमने देखे कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, बाय द डिकेइंग ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वो कैसे लिविंग थिंग डिके होती हैं, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक्शन की वजह से डिके होते हैं प्लांट और वो पेट में चेंज हो जाते हैं, और कुछ कंट्रीज में जो है वो पेट भी एज ए फ्यूल जो है वो यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बी पार्ट देखें तो हमारे पास बी पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ पेट बिकम कोल, कि किस तरह जब पेट है वो तो एक फॉसिल फ्यूल के तौर पे यूज़ हो ही रहा है तो वो कोल में कैसे चेंज हो जाता है। प्लांट कैन बरीड इन सॉइल फॉर ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर्स, कि जो प्लांट हैं वो सॉइल के अंदर बरीड रहते हैं कितनी देर तक, ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर्स तक, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो प्लांट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू पेट में, एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द प्लांट और पेट चेंज इनटू कोल, कि प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो पेट होता है वो चेंज हो जाता है कोल के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा है हमने पेज नंबर जो हमारे पास था 35, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, व्हाट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, क्वेश्चन नंबर 2 किया, सजेस्ट व्हाई देयर आर नो ह्यूमन फॉसिल्स इन कोल, क्वेश्चन नंबर 3 किया, व्हाट इज़ पेट, एक्सप्लेन हाउ पेट बिकम कोल। तो होप सो आपको समझ आई होगी, आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में है वो जो है वो नोट डाउन करना है और इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है।
नेक्स्ट हम लोग अपने वर्क में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. गुड लक.